हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रारंभ शिक्षा में। आज हम जो हमारी सीरीज चल रही है करंट अफेयर की, जिसमें हम लोगों ने पिछली बार बात की थी भोपाल ज़िले से रिलेटेड करंट अफेयर की, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे के ज़िले छतरपुर, जबलपुर, रायसेन, उमरिया, झाबुआ और सीहोर ज़िले से जितना भी करंट अफेयर है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो खासतौर पर MPPSC प्री को टारगेट करते हुए बनाया जा रहा है, तो अगर आपका कोई दोस्त MPPSC प्री के तैयारी कर रहा है तो उसके साथ भी इस करंट अफेयर की वीडियो को शेयर कीजिए। हम शुरुआत करेंगे छतरपुर ज़िले से। छतरपुर में हम लोग बात कर रहे हैं खजुराहो की। खजुराहो है, खजुराहो में जहाँ पर मनाया गया 49वां अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह। भारतीय संस्कृति, शास्त्रीय सांस्कृतिक शैली पर केंद्रित ये समारोह पश्चिम मंदिर समूह में मनाया गया। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्लस उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकेदमी प्लस कला एकेडमी और इसमें जुड़ा हुआ था मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद द्वारा इन सब सारी संस्थाओं ने मिलजुल कर इसको आयोजित किया था। और मध्य प्रदेश शासन में सांस्कृतिक कल्चरल जो मिनिस्टर हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि उनका नाम क्या है। यहीं पर आयोजित किया गया राज्य रूपांतर कला पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे। इसके बाद अगला जो है आदिव्रत गाँव, जो खजुराहो में सांस्कृतिक गाँव के लिए जाना जाता है। जनजाति जो है इसमें भील, बेगा, कोल, सहरिया, गोड़, भारिया, कोरकू, चार सभ्यताएं जिसमें हम लोग बात करते हैं, बुंदेली, बघेली, निमाड़ी और मालवी, इसमें सभ्यताएं आपको देखने को मिलती हैं। थर्ड नंबर पर जो करंट अफेयर है बीजावर, मोनिया नृत्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर है, मोनिया नृत्य महोत्सव जो बुंदेली संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है बीजावर कहाँ पर है, खजुराहो सॉरी छतरपुर, और यहाँ पर मोनिया नृत्य महोत्सव मनाया गया 2022 का बुंदेली संस्कृति के लिए जो मनाया जाता है। अवध किशोर जड़िया जिनको 2022 में पद्म पुरस्कार दिया गया था साहित्य एवं शिक्षा में, वो भी यहीं छतरपुर से संबंधित है। खजुराहो एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया गया है। खजुराहो में जो है एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर भी मनाया गया है। इसके बाद श्रीमती उर्मिला पांडे लोक गायिका हैं, जिन्हें 2017 में संगीत नाट्य अकेदमी पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद जो अगला जिले हैं हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, अगला जिले जो है जबलपुर का। अब हम आगे देखेंगे जबलपुर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। मुनीश्वर चंद्र डावर जो हैं आपके, ये 2023 में इन्हें पद्मश्री दिया गया है मेडिकल के क्षेत्र में, क्योंकि ये 20 रुपये में, केवल मात्र 20 रुपये में जन सेवा कर रहे हैं, केवल 20 रुपये में लोगों का इलाज करते हैं ये। नर्मदा महोत्सव है जो भेड़ाघाट जबलपुर में ठीक है। इसके बाद परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला परमाणु नियामक बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए, 3 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा। 28वां राष्ट्रीय नाट्य समारोह भी यहीं पे बनाया गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डायनासोर के जीवाश्म पाए गए हैं, डायनासोर के जीवाश्म हमारे मध्य प्रदेश में 3 जिलों में पाए जाते हैं, एक रायसेन, धार और जबलपुर। तो जबलपुर में यहाँ पर इसके अवशेष पाए गए हैं। 1828 में भारतीय सिविल सेवा अधिकारी विलियम स्लोमैन द्वारा लेमट जो गांव है लेमट बेड, वहाँ पर पहला सौर जो है जीवाश्म एकत्र किया गया था डायनासोर का, ठीक है। तो पहला डायनासोर जीवाश्म जो है आपका कहाँ पर था, लेमट जो गांव है, और किसने, भारतीय सिविल अधिकारी विलियम स्लेमैन 1828 में। और मैंने अभी आपको बताया है 2 जिले और हैं जिनसे जुड़ा हुआ है ये करंट अफेयर आपका, धार और रायसेन। लम्हेटा गांव देश में पहला जियो पार्क बनाया जा रहा है यहाँ पर, ये अगला करंट अफेयर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। फिर इसके बाद ये है स्थल प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को के भू विरासत के स्थायी सूची में भी मौजूद है, कहाँ पर है, भू विरासत की स्थायी सूची में भी ये यूनेस्को में शामिल है। फिर इसके बाद 125वीं सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी यहीं पर मनाई जा रही है। 125वीं जयंती के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में सुभाष वार्ड को विकसित कर संग्रहालय बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, सुभाष संग्रहालय, यहाँ पर सुभाष नेताजी से जुड़ी हुई चीज़ों को रखा जाएगा। पहला अंडमान निकोबार में एक जेल है जो जिसमें वीर सावरकर को रखा गया था, तो वहाँ उनका मेमोरियल बनाया गया था अंडमान निकोबार जेल में। और चूँकि सुभाष चंद्र बोस को कुछ दिन यहाँ इस जेल में रहना पड़ा था,
इसलिए इन्होंने इस जेल को चुना है उनके संग्रहालय को विकसित करने के लिए। तो अगर जबलपुर में किसका संग्रहालय बन रहा है तो वो है सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती के अवसर पर। और अगर पहला दे माना जाए तो पहला आपसे पूछा जाता है पहला कहाँ पर था, वीर सावरकर का, वो भी कहाँ पर, अंडमान सेलुलर जेल में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देश का पहला खिलौना बैंक, कोई भी व्यक्ति नए पुराने खिलौने खरीद सकता है, ये बनाया गया है जबलपुर में। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश की पहली वर्चुअल रियलिटी लैब, ये भी जबलपुर से संबंधित है, ये भी आप याद रखें, सी बी रमन वर्चुअल रियलिटी। थर्ड जो है थर्ड वर्ल्ड कांग्रेस रामायण पर होनी है, वो भी जबलपुर में होनी है। सौरभ कुशवाहा अंकित सेन जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर चढ़े हैं, वो दोनों के दोनों जबलपुर से संबंधित हैं। कहाँ से हैं, जबलपुर से। तो किलिमंजारो जो है चोटी है, वहाँ पर ये लोग चढ़ गए, तो ये कहाँ से, जबलपुर से। इसके बाद अगला जिला है रायसेन। रायसेन में जो है भीम बेटिका मतलब जो रॉक शेल्टर स्थान है वो यहीं पे मिलता है। 2021 में भीम बेटिका रॉक शेल्टर मधुमक्खी के छत्ते से निकला था एक आपका जीवाश्म जो डायनासोर से संबंधित था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जबलपुर, धार और रायसेन, ये तीनों ज़िले हैं डायनासोर से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश का प्रापाषाण एक स्थल है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर है, 700 से ज़्यादा रॉक शेल्टर है। सन 1997 में विष्णु श्रीधर भाणकर ने इसकी खोज की थी और 2001 में से यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। पहला भीमबेटिका मधुमक्खी के छत्ते जैसा मोम जैसा बना हुआ है जो डायनासोर से संबंधित है, प्रापाषाण कालिक है, विंध्याचल श्रेणी का है, 700 से ज़्यादा रॉक शेल्टर है, 1997 में विष्णु श्रीधर भाणकर ने खोज की थी, 2001 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। राधापानी सेंचुरी जो भी है, ये भी आपके कहाँ पर मिलती है, रायसेन में मिलती है। पहली सेंचुरी है जहाँ पर वन्य प्राणियों के लिए अस्पताल बनाया गया है। फिर इसके बाद मध्य मंडी रायसेन में मंडी द्वीप है जहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस कार्निवल ध्यानचंद का 117वीं जयंती मनाई गई। कितनी, 117वीं जयंती मनाई गई। पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर, यहीं पर बनाया गया है। इसके बाद उमरिया में जोधैया बाई चित्रकला बेगा चित्रकला जनजातीय कला के लिए उन्हें 2023 में पद्मश्री दे दिया गया है। तो उमरिया में कौन है, जोधैया बाई, इन्हें बेगा जनजाति की हैं ये, और चित्रकला के लिए ना 2023 में पद्मश्री से नवाजा गया है। फिर इसके बाद उमरिया में है बांधवगढ़ रिजर्व, टाइगर रिजर्व, जो 7 दिवसीय हाथी महोत्सव यहीं पर मनाया गया था। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा सकता है 7 दिवसीय गांधी महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये आपका कहाँ पर मनाया गया, उमरिया। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो वो उसका आंसर भी क्या है, आपका उमरिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए झाबुआ से रिलेटेड करंट अफेयर में हमारे पास है रमेश परमार और शांति परमार, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये दोनों जो है कला के लिए इन्हें दिया गया है पद्म पुरस्कार। तो मैंने पद्म पुरस्कार से जुड़ा हुआ एक वीडियो, जितने भी 2023 में पद्म पुरस्कार दिए गए उनसे रिलेटेड एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया गया है। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। इसके बाद हलमा महोत्सव, जिसमें हल चलाया गया था आपके मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा, हलमा जनजाति द्वारा बनाया जाता है, भील जनजाति श्रम से जुड़ी हुई एक परंपरा है। ठीक है, सामूहिक आयोजित किया जाता है इसका, सामूहिक एकजुट कर होकर परमार्थ की भावना से ये श्रमदान करते हैं। भूरी बाई को 2021 में भीली चित्रकला के लिए पद्मश्री दिया गया था। इसके बाद कपिल परमार जो दृष्टिबाधित हैं, 60 किलो वर्ग में उन्होंने कजाकिस्तान में आयोजित इस्सा जूडो ग्रैंड स्लैम में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो इस्सा जूडो ग्रैंड स्लैम ग्रैंड प्रिक्स में किसने, कपिल परमार ने, जो कि सीहोर के हैं, सॉरी कहाँ के हैं, ये सीहोर के हैं, दृष्टिबाधित हैं, पैरा ओलंपिक पैरा खिलाड़ी हैं, पैरा स्पोर्ट्स मैन हैं, कजाकिस्तान में आयोजित हुआ था, कांस्य पदक इनको मिला है। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका करंट अफेयर आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद शांता भूरिया भील समुदाय युवा चित्रकार हैं, भूरी बाई की पुत्री हैं, याद रखिए भूरी बाई की पुत्री हैं शांता भूरिया, जनजातीय संग्रहालय में इनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। ठीक है, इसके बाद अगला करंट अफेयर है हमारा सीहोर से अभी हम लोगों ने देखा था कपिल परमार मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान जो है सीहोर से चलाया गया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, किसानों की फसलों का बीमा किया जाएगा, क्या किया जाएगा, बीमा किया जाएगा और उनको वहीं घर आकर उनकी पॉलिसी, तो किसानों की फसलों का पहले बीमा किया जाएगा और बीमा की जो पॉलिसी है वो किसानों को घर आकर उनके घर आकर दे दी जाएगी। तो ये है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। इसके बाद मेघा परमार है, मेघा परमार भी आपकी सीहोर से हैं, वो आपकी एवरेस्ट
फतेह करने वाली हैं लड़की, और इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दो चीज़ों का। किस किस का बनाया गया? एक तो सांची दुग्ध का ब्रांड एम्बेसडर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया। अटल बिहारी प्रतिमा अनावरण यहाँ पर किया गया। कुंजन झावर देश की पहली महिला योगा थेरेपिस्ट बनी है, जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। देश की पहली महिला योगा थेरेपिस्ट कुंजन झावर, जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, जो एग्ज़ाम आयुष मंत्रालय द्वारा कराया जाता है, ठीक है, तो उसमें ये इन्होंने उत्तीर्ण कर लिया है, तो ये पहली योगा थेरेपिस्ट बन गई हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये जिलेवार करंट अफेयर सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल प्रारंभ शिक्षा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी बांटें। आने वाले वीडियो में मैं आने वाले जिलों की बात करूँगा। इस वीडियो को 2-3 बार आप हेडफोन लगा कर सुनते रहिए, आपको सारे करंट अफेयर तैयार हो जाएंगे। और अगर इनकी PDF चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ ऐड हो जाएं। सारे ग्रुप में आपको PDFs की लिंक मिल जाएंगी। थैंक यू, मिलते हैं अगले करंट अफेयर में। थैंक यू।